हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉल्ट्स, जो कि आपके नेक्स्ट टर्म में भी आएगा. अब देखिए, अभी तक हमारी ये सोच है कि सॉल्ट्स जैसे एसिड बेस रिएक्शन, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसमें जब सॉल्ट फॉर्म करता है, तो अगर हम सॉल्ट को वाटर में ऐड करेंगे तो पीएच 7 आएगी, मतलब इट इज न्यूट्रल. पहली तो आपको ये चीज चेंज करना है कि अगर सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट है, सिर्फ सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट है, दैट डजंट मीन दैट सॉल्यूशन इज न्यूट्रल. फिर से मैं दोबारा वैसे सुनिए, अगर हम एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक. अब अगर सिर्फ सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट है, कोई एसिड बेस नहीं, सिर्फ सॉल्ट है और वाटर है, ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा. सॉल्ट भी वाटर को न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को रिवर्स कर सकता है. सॉल्ट वाटर को वापस रिएक्ट करके सॉल्यूशन को आइदर इट कैन मेक इट एसिडिक और बेसिक इन नेचर. इसे कहते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, मतलब सॉल्ट जब वाटर से रिएक्ट करता है इसे कहते हैं सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस. सॉल्ट वाटर से रिएक्ट करके वापस सॉल्यूशन को क्या बना देता है, एसिडिक और बेसिक इन नेचर, ठीक है. एंड इट रिवर्सेस द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ये न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, अगर हम वो वापस सॉल्यूशन को क्या कर दे, एसिडिक या बेसिक बना दे. एसिडिक में पीएच लेस देन 7 होती है, बेसिक में पीएच ग्रेटर देन 7 होती है, और न्यूट्रल पे पीएच कितनी होती है, 7 होती है. अब देखो आप, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. अब ये फोर टाइप ऑफ सॉल्ट किस बेसिस पे है, ये इस बेस के ऊपर बेस्ड होते हैं कि वो जो सॉल्ट बना है कि वो कौन से एसिड और बेस से. देखिए, अगर वो सॉल्ट बना है बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस कहने का मतलब है एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक. अगर वो सॉल्ट रिएक्शन से बना है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से, तो उसे बोला जाता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. जैसे NaCl, देखो NaCl में Na प्लस कहां से आता है, NaOH से, और Cl माइनस कहां से आता है, HCl से. HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका मतलब ये सॉल्ट किसका हो गया, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. अब इसे कहते हैं पोटेशियम सल्फेट. इसे क्या कहते हैं, पोटेशियम सल्फेट, K2SO4. अब इसमें सल्फेट आयन आता है H2SO4 से, और K प्लस आयन आता है KOH से, तो इसका मतलब इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. जहां पर भी सल्फेट आयन प्रेजेंट होगा इसका मतलब वो H2SO4 से आया है, तो इसका मतलब वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट रहा है. और K प्लस आयन कहां से आया है, KOH से आया है, तो इसका मतलब इट्स अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. अब Na2SO4, सोडियम सल्फेट, इसे क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट. अब इसमें फिर से देखिए, Na प्लस आयन कहां से आया, NaOH से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और सल्फेट आयन कहां से आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से. इसका मतलब जब स्ट्रॉन्ग बेस NaOH रिएक्ट करा स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, तभी बना ये सॉल्ट Na2SO4, तो इसे बोलोगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. सोडियम नाइट्रेट, सोडियम आयन फिर से कहां से आता है, NaOH से, और नाइट्रेट आयन HNO3. इसका मतलब ये सॉल्ट तभी बना जब स्ट्रॉन्ग बेस NaOH रिएक्ट्स विद द स्ट्रॉन्ग एसिड नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3, तो उससे ये बना, तो इट्स अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. तो आपको समझ आ गया कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कहने का मतलब है कि ये जो हमारे पास सॉल्ट बना, अल्टीमेटली ये सॉल्ट जो है उसका एक कैटायन है, एक एनायन, Na प्लस आयन Cl माइनस. जो कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन होता है वो बेस से आता है, और जो एनायन नेगेटिव आयन आता है वो आता है एसिड से. तो अगर आपको उस एसिड के बारे में या बेस के बारे में पता है कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग था या वो बेस स्ट्रॉन्ग था, तो वो जो उनसे रिएक्शन से बनने वाला सॉल्ट है, वो कैटायन और एनायन से जो बनने वाला सॉल्ट है, उसे आप बोलोगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. Na प्लस हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से आएगा, Cl माइनस हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से आएगा, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सल्फेट आयन कहां से हो गया, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड. नाइट्रिक एसिड HNO3 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, तो नाइट्रेट आयन कहां से आता है, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड. आपको समझ आ गई. Na प्लस आयन K प्लस आयन, कैटायंस को देखो, Na प्लस आयन K प्लस आयन आर फ्रॉम दी स्ट्रॉन्ग बेसिस, एंड एनायंस Cl माइनस सल्फेट आयन नाइट्रेट आयन फ्रॉम दी स्ट्रॉन्ग एसिड्स.
अब आपको समझ आ गई। तो अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनेगा, बट ऑब्वियस है वो सॉल्ट स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस का कहलाएगा, क्योंकि कैटायन भी स्ट्रांग बेस से और एनायन भी स्ट्रांग एसिड से। अब अगला देखते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड, मतलब एसिड तो स्ट्रांग है पर बेस क्या है, वीक है, बेस क्या है, वीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैटायन जो है बेस से क्या आता है, कैटायन बेस से क्या आता है, कैटायन, बार बार समझ आ गया आपको, ठीक है। और एसिड से क्या आता है, एनायन, नेगेटिव आयन, एसिड से क्या आता है, एनायन, नेगेटिव आयन। तो Cl- आया होगा HCl से, ठीक। NH4+ कहां से आया, कैटायन बेस से, और बेस कौन सा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NH4OH। इसका बेस जो होगा ना अमोनियम का, वो कौन सा होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी होती है वो एक वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है। तो अब आप पहचान लो इसे NH4Cl को, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रांग एसिड, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रांग एसिड NH4Cl, Cl माइनस स्ट्रांग एसिड से आया और अमोनियम आयन वीक बेस से, सो इट्स अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रांग एसिड। कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस में आता है, मतलब मॉडरेट वीक बेस हो गया, और सल्फेट आयन क्या हो गया, स्ट्रांग एसिड, तो सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रांग एसिड। सिमिलरली मैग्नीशियम सल्फेट, वीक बेस स्ट्रांग एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg से कौन से बेस से आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला MgOH2, सो इट्स अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रांग एसिड। आपको समझ आ गई बात ये चीज, ठीक है। फिर से देखो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड वीक बेस, एसिड स्ट्रांग रखा और बेस वीक रखा, उन दोनों के रिएक्शन से जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट को आप बोलोगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस। अब मैंने आपको बोला जो नेगेटिव आयन होता है एनायन वो आता है एसिड से, और कैटायन किससे आता है, बेस से, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इट्स अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रांग एसिड, Cl माइनस सल्फेट आयन नाइट्रेट आयन स्ट्रांग एसिड से आते हैं, तो क्लोराइड आयन आया है इस सॉल्ट के अंदर, तो डेफिनेटली इसका मतलब स्ट्रांग एसिड रहा होगा। और अमोनियम आयन NH4+ को क्या कहते हैं, अमोनियम आयन, और वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया है NH4OH, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, सो इट्स अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रांग एसिड। कॉपर सल्फेट, सल्फेट आयन, देखिए यहाँ पे सल्फेट आयन स्ट्रांग एसिड से आते हैं, चाहे वो कॉपर सल्फेट है या मैग्नीशियम सल्फेट है। अब कॉपर आयन और मैग्नीशियम आयन दे आर फ्रॉम दी वीक बेसिस, तो दीज आर दी सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रांग एसिड्स। अब आपको समझ आ गई ये चीज। तीसरी टाइप का सॉल्ट क्या हो सकता है, तीसरी टाइप सॉल्ट में हमने बेस को तो स्ट्रांग रखा पर एसिड को क्या रखा, वीक, बेस को स्ट्रांग है एसिड वीक है। द थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट, बेस इज स्ट्रांग बट एसिड इज वीक। अब Na+ आयन, पहली बात उस सॉल्ट में तो Na+ आयन स्ट्रांग बेस से आता है, दैट इज NaOH, KOH, ये सारे स्ट्रांग बेसिस हैं, तो जो सॉल्ट Na का होगा वो डेफिनेटली वो सॉल्ट जो है वो स्ट्रांग बेस का तो है ही। अब हमें चेक करना है नेगेटिव आयन, इसमें है एसिटेट आयन, ये एसिटेट आयन है, ये CH3COO, इसे एसिटेट आयन कहते हैं, और एसिटेट आयन कहां से आता है, एसिटिक एसिड से, सो इट्स अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस। एसिटेट आयन क्या है, कहां से आता है, एसिटिक एसिड से, और ये क्या हो गया, सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग बेस एंड वीक एसिड। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम आयन, कार्बोनेट में सोडियम आयन तो स्ट्रांग बेस से हो गया, पर कार्बोनेट आयन वीक एसिड से आता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो ये सॉल्ट हो गया स्ट्रांग बेस वीक एसिड, वीक एसिड H2CO3, तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग बेस एंड वीक एसिड हो गया। अब यहाँ पे आती है सॉल्ट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम आयन कहां से आया, स्ट्रांग बेस से, और बाइकार्बोनेट कहां से आया, वीक बेस से, सो इट्स अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग बेस एंड वीक एसिड, स्ट्रांग बेस एंड वीक एसिड। आपको समझ आ गई बात। अब हमने बात करनी है फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। फोर्थ टाइप सॉल्ट की कौन सी है, सॉल्ट
जो बना हो एसिड भी वीक से और बेस भी वीक से, आप इन दोनों को मिला के बना लो। इसमें वीक बेस कौन है? अमोनियम आयन। इसमें वीक एसिड कौन है? एसिटेट आयन। इन दोनों के कम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, अमोनियम एसिटेट, वेरी सिंपल। ये अमोनियम आयन कहाँ से आया है? वीक बेस से आया है। और एसिटेट आयन कहाँ से आया है? वीक एसिड से। तो वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनेगा उसे क्या बोलोगे? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। फिर से देख लो, अमोनियम आयन NH4+, ये कहाँ से आया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वीक बेस है। और एसिटेट आयन वो कहाँ से आया? एसिटिक एसिड से, वो एक वीक एसिड है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो अमोनियम एसिटेट को आप क्या बोलोगे? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो अगर आपको ये सेशन हमारे अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड रेफर टू दी अदर पीपल ऑल्सो। थैंक यू।